तो आज आपका YouTube इंडिया डेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ई श्रम कार्ड के क्या फायदे हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या क्या फायदे कौन उठा सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जाने हर डिटेल इस बारे में। ई श्रम जो है असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए केंद्र सरकार ने इस साल अगस्त माह में ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। इससे असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ कामगारों को फायदा होगा। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले कामगार को ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा। इस कार्ड की मदद से रजिस्टर्ड कामगार प्रदेश में कहीं भी कभी भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा फ्री दुर्घटना बीमा की मदद भी है। ई श्रम पोर्टल पर कामगारों के रजिस्ट्रेशन के लिए 31 दिसंबर तक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इससे पहले जान लें कि ई श्रम कार्ड आखिर है क्या और इसे लेने के लिए पात्रता शर्तें क्या हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों में निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले और घरेलू कामगार आदि शामिल हैं। ई श्रम कार्ड में 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UN रहेगा। ये कार्ड पूरे देश में हर जगह वैध रहेगा। UN नंबर एक स्थायी नंबर होगा, अर्थात एक बार प्रदान किए जाने के बाद ये कामगार के लिए अपरिवर्तित रहेगा। ई श्रम कार्ड जीवन भर के लिए मान्य है, लिहाजा इसके रेन्यूअल की कोई आवश्यकता नहीं है। कामगार नियमित रूप से अपना विवरण, मोबाइल नंबर, वर्तमान पता आदि अपडेट कर सकते हैं। अपने खाते को सक्रिय रखने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार अपना खाता अपडेट कराना आवश्यक है। ई श्रम पोर्टल पर जाकर या CSE के माध्यम से कामगार अपना विवरण अपडेट कर सकते हैं। अपडेट की जा सकने वाली डिटेल्स में मोबाइल नंबर, वर्तमान पता, व्यवसाय, शैक्षिक योग्यता, कौशल के प्रकार, पारिवारिक विवरण आदि शामिल है। तो सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा YouTube चैनल इंडिया अपडेट पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, नई जानकारी। जय हिंद, जय भारत।